हमेशा यहाँ पर रहते हैं, हमेशा बकबक करते रहते हैं, यहाँ पर हमेशा रहते हैं, 10-15 हमेशा रहते हैं यहाँ पर। आपके घरवा तो साफ दिख रहा है जी, वहाँ से साफा दिखाई देता है, वहाँ से साफा दिखाई, साफा दिखाई देता है यहाँ से। किस तरह से आप लोग अपने घर में सेफ फील करते हैं आप लोग? हाँ, उस उधर घर, आप लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है ना? नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग अपने घर में भी आती होंगी जाती होंगी, तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा इसी तरह से लगा है। कैमरा पर्सन दिखाएंगे इस तरफ, अपोजिट में देख सकते हैं कि गुमटी है, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर घर है, और इस घर में इस तरह की चीजें हो रही है। मैं मांग करूंगा, ये बिहार की बेटियां, कैमरा पर्सन इधर दिखाएंगे, ये बिहार की हमारी बेटियां हैं जो किस तरह से कह रही है कि हम लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है। क्या कह रही है? हमारे बैठक हम निके मुश्किल भइल बा है, यहां बैठी होंगी तो थैले वाला सा हमरा अन्न नहीं के घोटा बैठे भी नहीं जाता है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं, आप लड़के लोग हैं जो परसवान जी लोग, लड़के लोग यहां आते हैं, बैठते हैं, खड़ा होते हैं, ताकते हैं, मुस्कुराते हैं, अगर आपस में बोली बोलते हैं, बोली बोलने के बावजूद अगर हम लोग यहाँ नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ पूछते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। करूंगा परसवान जी, कम से कम ऐसी चीजें ना करिए आप लोग ना, कि सार्वजनिक जमीन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का अपना जमीन हो गया, और सार्वजनिक जमीन है तो आप कहीं भी उठ जाइएगा, कहीं बैठ जाइएगा, और कहीं सो जाइएगा। इस लोग के गोड़ चीर देती है, बोली बोलती है, तो हम लोग बोलते हैं तो कहती है कि ढेर बोलेगी तो तुमको दबा के मुआ देगी, चीर के तरह ऊपर टंगरी चीर देगी, यही कहेगी इस लोग के लड़का। देख सकते हैं भैया कि ये बिहार में किस तरह से तानाशाही चल रही है, और तानाशाही में किस तरह से लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगी तो आपको चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। मैं दावा करूंगा जितने भी ऐसे लोग हैं उन सब पर, सभी पर कार्रवाई हो। प्रशासन के सामने भी धमकी दिया गया कि यहाँ बारात नहीं लगने दिया जाएगा। अब बताइए कि अब प्रशासन भी उसके आगे फेल है सर, सीओ साहब, थाना प्रभारी सारे फेल हैं, ये यहाँ आम जनता के सामने अतिक्रमण करने वाले के सामने। नमस्कार, IL24 न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं युवराज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करहगर थाना क्षेत्र के फकीला गांव में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दीवार को बनाया गया है, एक दीवार है, इस दीवार से जो है यहाँ के लोग जो है काफी समस्याग्रसित है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कौन सा समस्या है और कौन सी ऐसी परेशानी है जिसके बदौलत ये लोग इतने दिनों से फेस करते हैं, विशेष बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम महेंद्र राम है, ग्राम फकला पोस्ट लाइट थाना करहगर जिला रोहतास के हैं। कौन सा घर है आपका? हमारे घर ये सामने है। अच्छा, ये आपका घर है, और क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ अपने घर? घर के सामने बिहार सरकार गढ़ की जमीन है जो सार्वजनिक है, उस जमीन पर सार्वजनिक काम होता है, शादी विवाह बैठकर जयंती हम लोग सब ही मनाते हैं, फिर भी जो दखल के अतिक्रमण किया है उसका गाँव में घर है। गाँव में से आकर यहाँ जबरदस्ती ये दीवार बांस ले घेरना, मिट्टी के दीवार गुमटी रखना, ये सब जबरदस्ती कर रहा है। इसके बदलोत हम लोग आवेदन दिए हैं थाना में सीओ के पास, वे अभी लमसम फरवरी से है, अभी तक जो है साहब के पास आवेदन दे देते थे हम लोग, कहना कि ये रखे हैं बात कि सर हमारे द्वारा दरवाजे पर बांस ले घेरे हुए हैं, गुमटी रखे हैं, उनकी खाली जमीन करा दिया जाए। तो लोक सूचना अधिकार के तहत समझौता किए DSP साहब, CEO साहब के सामने, कहे कि ये दीवार की मट्टी आई का कला बांस गुमटी सब हटा लेना है यहाँ से, और तुम लोगों को एक काम करना है कि अंबेडकर जयंती रविदास जयंती नहीं मनाना है। हम लोग प्रशासन के बात के मान कर चुपचाप रह गए, फिर भी वो 2 दिन या 4 दिन के बीतने के बाद तुरंत दीवार दे दिया, उधर गुमटी रख दिया, बांस ले घेर दिया, इस तरह करते हुए लोग आ गए। यानी आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने एक बात कही कि मेरा यहाँ पर घर है, और मेरे घर के आगे ये देख सकते हैं उस घर तक ये तमाम जो जमीन है वो बिहार सरकार की जमीन है, बिहार सरकार की भूमि है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाया जाता था, यहाँ पर सार्वजनिक चीजें करी जाती थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आया गया और आकर के यहाँ पर जो है अवैध कब्जा करने लगे। इस बात को लेकर के इन्होंने प्रशासन के पास गए, CEO के पास गए, अंचलाधिकारी के पास गए, उन्होंने बात किया कि यहाँ पर जो है किसी का भी अवैध कब्जा नहीं करना है, किसी को भी ना तो जयंती मनाना ना कुछ करना है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से जो है वो गुमटिया देख ना, वो गुमटी लाल डाल दिया गया, ये दीवार को डाल दिया गया, ये बांस से भी घेर दिया गया। और भी बातचीत करेंगे। क्या 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 नाम है सर आपका? रंजय राम। रंजय राम जी, अच्छा, ये किस तरह की चीज यहाँ पर की जा रही है? क्या उन लोगों की यह जमीन है, या यहाँ पर उन लोगों की कोई चीजें हैं जिसके बदौलत ये सारी चीजें की जा रही है, या फिर अवैध तरीके से ये सारी चीजें? नहीं सर, ये बिहार सरकार गढ़ है जी, ये लोग बढ़ियाई घर यहाँ उठाता है, हम लोग यहाँ ब्याह शादी सब हितगण सबको यहाँ जुटता है, ये लोग कहता है कि नहीं हम लोग अपना घर उठाएंगे।
यही है। अपना यहाँ पर हम जो है घर उठाएंगे, जबरदस्ती की चीजें यहाँ पर करेंगे। हाँ, ये लोग जबरदस्ती करके घर उठाते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें, जबरदस्ती की चीजें आप लोगों के साथ कर रहे हैं? श्री भगवान परसवान। परसवान जी है? हाँ, परसवान जी, परसवान जी है। देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति से वो भी आते हैं, अनुसूचित जाति से ये लोग भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस महोदय को अपना जो है रुतबा जो है अपना अलग ही दिखाना है, जिसके बदौलत यहाँ पर इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इन लोगों के साथ शोषण अत्याचार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम तो चंद्रमा राम। आपको भी समस्या हो रही है इस दीवारवा से, इस गुमटिया से? जी। क्या समस्या है? समस्या है कि सब या शादी ब्याह करना है, बैठना है, उठना है, सबको आराम करना है, या पेड़ का गांछी है, सब कुछ है, बाकी सब कुछ में हम लोग का तबाही है। तबाही है यहाँ पर, पूरा जबरदस्ती की चीजें की जाती है? हाँ हाँ, हम लोग का साथ जबरदस्ती हरदम हो रहा है जी। क्या कहते हैं वो लोग? ये लोग जो है, आप लोग प्रशासन के पास गए, अंचलाधिकारी के पास गए, अंचलाधिकारी ने क्या कहा आप लोग? 3 बार समझाया कि अपने गुमटी को हटा लो, अपने बांस लकड़ी को रादा को हटा लो, बाकी ये लोग समझा नहीं, पूरे आप लोग को घर ढावाएंगे तो मानेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि आपका घर ढावाएंगे तब मानेंगे। हाँ, देख सकते हैं भैया, हम लोग आजाद बिहार में मौजूद है, आजाद भारत में मौजूद है, और आजाद भारत में किस तरह से लोगों के साथ उनकी आजादियां छीनी जाती है, और लोग जो है गांव में से आते हैं, उनका कहाँ घर है भैया यहाँ पे? हाँ, हाँ, दूर है, दूर से आते हैं और आकर के यहाँ बस जाते हैं, यहाँ पर जो है अपना विधि व्यवस्था सेट करने लगते हैं। ये घरवा में जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, उन लोगों को परेशानियां होती है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाची? यही घरवा आपका? जी हाँ, मेरा ही घर है। क्या समस्या आती है आपको? मेरा समस्या यही है कि हम लोग यहाँ कई वर्षों से, यहाँ हमारे बुजुर्गों लोग के वहाँ से रहते आ रहे हैं लोग, पहले से ही घर द्वार यहाँ हम लोग का है, उपस्थित है हम लोग यहाँ। हम लोग सार्वजनिक यहाँ, हमारे यहाँ जयंती मनाए जाते हैं, शादी विवाह, बेटी बहन, गांव भर, या हम सभी को यहाँ जरूरतें हैं, और यहाँ जरूरतें समाज के लोगों के, यहाँ कुछ परसवान जी लोग हैं अदर का, वो लोग गाँव में से आकर के यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, जमीन के ये कब्जा कर रहे हैं, बांस लकड़ी घेर करके, गुमटी रख करके यहाँ पे। और ये थाना अधिकारी लोग से हम लोग का निवेदन था कि आकर के सीओ साहब से कि समझौता करके आए हैं। सीओ साहब ने तो आदेश दे दिया है कि इसको हटा दिया जाए, फिर भी लोग नहीं हटा रहे, क्या कहें? यहाँ नहीं, उनको मना करने के बावजूद, दोनों पक्षों को समझाने के बावजूद, ये लोग नए नए ड्रामे स्टार्ट करते जा रहे हैं। कल के दिन झोपड़ी यहाँ फिर बना करके स्टार्ट करवाया गया है, नापी होने के बावजूद, मना करने के बावजूद यहाँ पे झोपड़ी रखा गया है। यानी मना करने के बावजूद प्रशासन के लोग खौफ नहीं है? नहीं। देख सकते हैं भैया, यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं वो बार बार इस चीज को आदेश दिए दे रहे हैं कि इस दीवार को हटाया जाए, इस तमाम चीजों को हटाया जाए, जो बिहार सरकार की भूमि है उसको फ्री कर दिया जाए, लेकिन ये लोग फ्री नहीं करेंगे, इन लोगों को तो जबरदस्ती करना है। कुछ और मौजूद है महिलाएं, उनसे बात करेंगे। यही घरवा है चाची आपका? जी। क्या समस्या आती है यहाँ पर? लोग जब आते हैं, जो लोग इस घरवा पर जो है ये कब्जा करते हैं, उससे समस्या होती है आपको? जी, ये समस्या होता है, बेटी बहन घूमते जाते हैं, वो लोग छेड़ते हैं, बोलती है, बोली बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आकर वो लोग रहते हैं, और आप जैसी महिलाएं जब इस रास्ता जाते हैं, वो लोग बोलबो करता है, बोली बोलते हैं, बेटी बहन जाती है, बोलता है कि क्या करना है, घर में घुस करके हम लोग जो करना होगा, जब केस लड़ना है, मारपीट करना है, तो हम लोग घर में घुस करके करेंगे, खुलियाम करेंगे, जो करना होगा कर किया जाएगा। थाना अधिकारी यहाँ आते हैं और थाना अध्यक्ष आते हैं, समझाने के बावजूद भी वो लोग वही कार्रवाई करता है। वो आकर के जाए, उसका समझाने का काम था, समझाया, मेरा काम है यहाँ रहने का, करने का, और अपना यहाँ हक जमाने का। ये लोग का यह जवाब देख सकते हैं, मैं यहाँ के जिलाधिकारी साहब से सख्त मांग करूंगा ना कि ऐसे जितने लोग हैं जो भी ऐसी चीजें कह रहे हैं कि जब कैसे लड़ना है तो घर में भी घुस जाएंगे। देख सकते हैं कि आजाद भारत की महिलाएं किस तरह से कह रही हैं कि आज हम अपने घरों में भी है ना, तो घरों में भी सेफ नहीं है, कभी भी वो लोग कुछ भी कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि बीच गांव से आकर के जब यहाँ पर दीवार बनाया जा सकता है, गुमटी लगाया जा सकता है, पर जो है रहने सहने की चीजें की जा सकती है, तो शायद ये महिलाएं घर में भी अपना सेफ नहीं है। और भी लोग है, बात करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? उधर करेंगे, चलिए उधर आ गए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश राम सर। सुरेश राम जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ करके अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहेंगे सर, ये बिहार सरकार की जमीन है जी, और यहाँ यहाँ अतिक्रमण होते जा रहा है। हम लोग यहाँ अम्बेडकर जयंती बहुत वर्षों से मनाते रहे हैं, यहाँ हम लोग 100 वर्षों से यहाँ, बुजुर्गों ने हमारा यहाँ घर मकान बनाकर गुजर बसर कर रहा है जी। इसके बाद यहाँ हम लोग को अतिक्रमण किया जा रहा है, कि वहाँ एक घर में, उस घर में बारात आने वाला है, उस घर में बारात आने वाला है, बेटी का भी, बेटा का भी शादी है। ये सार्वजनिक ये स्थान है बिहार सरकार जी,
उस बारात को कहाँ लगाया जाएगा सर? आपसे पूछा जा रहा है कि वो बाराती आएगा तो वहाँ कहाँ खड़ा होगा सकता है? दिखाना चाहूंगा यहाँ के जिलाधिकारी महोदय उस घर को देखेंगे, कैमरा पर्सन उस घर को दिखाइए कि वो जो घर है उस घर में अभी महज कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर बारात आने वाला, ये सार्वजनिक जो है ये रास्ता है और इसी रास्ता से हो सकता है कि इस घर में जो है बारात लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस चीज को इस जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा अवैध रूप से तो उस घर में किस तरह से बारात जाएगी और किस तरह से उस घर के लोग जो है उस बारात को अपने घर पर आमंत्रित करेंगे और किस तरह से उनका जो है यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाएगा और क्या कहेंगे? नहीं नहीं सर, शासन प्रशासन के सामने भी धमकी दिया गया कि यहाँ बारात नहीं लगने दिया जाएगा। अब बताइए कि अब प्रशासन भी उसके आगे फेल है सर, सीओ साहब थाना प्रभारी सारे फेल हैं। ये यहाँ आम जनता के सामने अतिक्रमण करने वाले के सामने पुराने जमाने में कहा करता था कि ऊपर से चोरी या फिर ऊपर से सीना चोरी, इसी तरह की चीजें यहाँ पर की जा रही है कि एक तो अवैध कब्जा किया जा रहा है, जब प्रशासन के लोग आदेश दे रहे हैं कि अवैध कब्जा को फ्री किया जाए, जमीन को फ्री कर दिया जाए, तो वो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि कैसे बारात लगता है हम लोग भी देख लेंगे, बारात हम लोग नहीं लगने देंगे। और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे? और कहना चाहेंगे कि सर देखिए वहाँ घूमते हैं सीधे दरवाजा के सामने गुमटी पड़ा है, वही गुमटिया है, वही गुमटी है जो कि वहाँ हम लोग को बेटी बहन को निकालना भी दुर्भर है जी। अच्छा एनी टाइम बहुत सारे लोग 10-20-15 के भी संख्या में बैठे रहते हैं। आइए इसके पास पीछे हमारा भी दरवाजा है, आइए देख सकते हैं कि यही वो गुमटी है जिस गुमटी को अवैध रूप से दिखाया जा रहा है कि कब्जा किया गया है। इसके जस्ट सामने ये घर है और मैं इससे इनसे तो बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इस घर के लोगों से बात करूंगा। बाबू इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? अच्छा दीपाली, ये बताइए कि आपका घर है ना? हाँ मेरा घर है। आपका घर है, आपके घर के सामने गुमटी है, गुमटी पर तमाम लोग जो है भीड़ लगा के आते होंगे और आकर के यहीं पर खड़े होते होंगे, क्या किस तरह समस्या होती है? हमेशा यहाँ पर रहते हैं, हमेशा बकबक करते रहते हैं यहाँ पर, हमेशा रहते हैं 10-15 हमेशा रहते हैं यहाँ पर। आपके घर में तो साफ दिख रहा है जी, वहाँ से साफा दिखाई देता है, वहाँ से साफा देखिए, साफा दिखाई देता है यहाँ से। किस तरह से आप लोग अपने घर में सेफ फील करते हैं? आप लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है ना? नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग अपने घर में भी आती होंगी जाती होंगी तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा इसी तरह से। कैमरा पर्सन दिखाएंगे इस तरफ, अपोजिट में देख सकते हैं कि गुमटी है, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर घर है और इस घर में इस तरह की चीजें हो रही है। मैं मांग करूंगा ये बिहार की बेटियां, कैमरा पर्सन इधर दिखाएंगे, ये बिहार की हमारी बेटियां हैं जो किस तरह से कह रही हैं कि हम लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है। क्या कहेंगे चाची? देख ली हमारे बैठक हम निके मुश्किल भइल बा भाई, यहां बैठी होंगी तो धैले वाला से हमरा अन नहीं के घोटा बैठे भी नहीं जाता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, आप लड़के लोग हैं जो परसवान जी लोग के लड़के लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, खड़ा होते हैं, ताकते हैं, मुस्कुराते हैं, अगर आपस में बोली बोलते हैं, बोली बोलने के बावजूद अगर हम लोग यहाँ नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ पूछते हैं, बोलते हैं कि हम लोग आपस में बोलते हैं, करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर जब बैठती भी हैं तो बैठने में भी कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं करती हैं, कुल मिलाकर के ही बात है ना? जी नहीं, देख सकते हैं कि ये यहाँ की तस्वीरें हैं, यहाँ की महिलाएं जो है वो अपने घरों के बाहर बैठने में भी कहीं ना कहीं असक्षम है, अपने घरों में भी बैठने पे भी लोग असक्षम है। और कुछ बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? इस तरफ क्या दिखाएंगे सर? मेरा घर का दरवाजा एनी टाइम बंद रह रहा है सर, यहाँ 20-25 ये किसी का दरवाजा है, यहाँ पर भी जमावड़ा एनी टाइम लगा रहता है, मेरे औरत को निकलना इस घर से बाहर मुश्किल है। ये आपका घर है? हाँ मेरा घर है। ये आपका घर है? घर के चौराहे पे है, यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी है और यहाँ से भी है, और आपका घर बीच में है, यहाँ पर तमाम लोग भीड़ लगाई ले रहते हैं। आपकी महिलाएं जो है, आपके घरों की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती है जी, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? कहेंगे कि सर यहाँ इन लोगों को मना किया जाए, नहीं बैठना है। मिलाकर के यही चीज है ना कि ये गुमटी अगर यहाँ से हट जाता है, अवैध कब्जा हट जाता है, तो यहाँ पर लोगों की जमावड़ा नहीं लगेगी? नहीं लगेगा, इसी की वजह से लगा रहता है, कोई पान गुटखा खा के, देखिए यहाँ भी थूका होगा, देखिए सारे तरफ थूक दिया है, कहीं भी लोग आते हैं बैठ जाते हैं आपके दरवाजे बैठ जाते हैं, उनके उन महिलाओं ने भी कहा कि हमारे दरवाजे पे भी लोग भरे रहते हैं। सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह तो पूरा हम भी वहाँ जाके बैठ सकते हैं ना, बोलिए उधर उन लोग का घर है सर, उधर मेरे बैठने का अधिकार नहीं है, ना कुछ बोलने का अधिकार है, हम ऐलान करेंगे सर उधर हम भी जाके बहुत सारे बात बोल सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा पासवान जी, कम से कम ऐसी चीजें ना करिए आप लोग ना, कि सार्वजनिक जमीन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का अपना जमीन हो गया, और सार्वजनिक जमीन है तो आप कहीं भी उठ जाइएगा, कहीं बैठ जाइएगा और कहीं सो जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत में भारत का संविधान अभी भी लागू है, और भारत का संविधान ये
दावा करता है ना कि अगर कोई भी सरकारी जमीन है और दलितों के नाम पर है, अगर दलित वहां पर है तो वो दलितों के हित के लिए, दलितों के विकास के लिए कारगर हो, ना कि ऐसी चीजें करने के लिए, अवैध रूप से कब्जा करने के लिए। कुछ और लोग है बात करेंगे भैया, और क्या समस्या आती है आप लोग, और कोई समस्या आती है, और कुछ समस्या आती है? हम लोग रास्ते डर जाती है तो कहती है कि तुम लोग के मारे के टंगरी और चीर देगी ऊपर नीचे करके, तुम क्या करेगी? धमकी देते हैं? हाँ धमकी देते हैं, कहते हैं कि तुमका घर तोड़ कर केवाड़ी घर में ठुक कर मारेंगे, मुआएंगे, कटेंगे। पासवान जी धमकी देते हैं? पासवान जी, मेरा घर तर बांस ले घेरा है, लकड़ी ले घेरा है। हाँ कहा कि बेसी से बोलेगा तो अभी तेरा द्वार तले घेरेगा, कहेगा। हाँ यही कहे, आप अपने घर से भी अगर बाहर निकलते हैं तो आपको धमकी पर धमकी, बाहर निकलते हैं तो कहती है कि इस लोग के गुड़ चीर देती है, बोली बोलती है तो हम लोग बोलती है तो कहती है कि ढेर बोलेगी तो तुमको दबा के मुआ देगी, चीर के तेरे ऊपर टंगरी चीर देगी, यही कहेगी इस लोग के लड़का। देख सकते हैं भैया कि ये बिहार में किस तरह से तानाशाही चल रही है, और तानाशाही में किस तरह से लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगी तो आपको चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। मैं दावा करूंगा जितने भी ऐसे लोग हैं उन सब पर सभी पर कार्रवाई हो। नाम बताइए कौन कौन लोग हैं? अच्छा चलिए चलिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं पर्सनली किसी पर नहीं जा रहा हूँ, और बाकी जो भी व्यक्ति इस तरह की चीजें कर रहे हैं उन सब पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। मैं कार्रवाई का मांग करूंगा, यहाँ के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी महोदय से मेरा मांग रहेगा कि इस जमीन को जल्द से जल्द फ्री करवा दिया जाए, जिससे कि तमाम जितने भी आप भीड़ को देख रहे हैं, तमाम लोगों को जो भी समस्याएं हैं उस समस्याएं से ये लोग जो है अवगत हो जाए, समस्याओं से इन लोगों का निदान हो जाए। यही घर है भैया आपका? जी सर। अच्छा, इस घर को अगर इस जमीन को फ्री कर दिया जाता है, इसको जो है अवैध कब्जा जो लोग किए हुए हैं फ्री कर दिया जाता है, तो क्या ये सारी समस्याओं से राहत मिल जाएगी आप लोगों को? ठीक है, क्या मांग करें? ये पूरा खाली जगह हो जाएगा तो सब ठीक है, सबको बैठना उठना है, शादी ब्याह है, सबको कार्यक्रम होता है, जो हम लोग का नहीं कार्यक्रम होता, सबको कार्यक्रम होता है, सभी लोग के लोग से लाभ है, हम लोग के हम लोग के लाभ नहीं है, सबको लाभ है। अच्छा बात नहीं है, मैं निवेदन करूंगा, बिहार सरकार की एक योजना है जिस योजना में कहीं ना कहीं जितने भी दलित बस्तियां हैं उनके उस बस्तियों में अगर बिहार सरकार की भूमि है तो उस भूमि पर पंचायत सरकार बना देना चाहिए, जिससे पंचायत सरकार अगर भवन बन जाता है तो तमाम जितने लोगों की जो बारात वाली चीजें हैं, जो भी चीजें हैं सार्वजनिक चीजें, वहाँ यहाँ पर हो सकती है, कर सकते हैं लोग, और किसी को भी किसी से कोई आपत्ति नहीं रहेगी। भैया अगर यहाँ पर सामुदायिक भवन बन जाता है, पंचायत सरकार भवन बन जाता है, तो क्या आप लोगों को समस्याएं यही रहेंगी? नहीं, यहाँ अगर बन जाता है तो उसी का हम लोग का मांग है कि अगर सामुदायिक भवन बिहार सरकार, हाँ सही हो जाएगा, पूरे आसपास के सभी लोगों का हित में होगा। अच्छा, वो लोग भी आके बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, उन लोग का भी कार्रवाई हो सकती है, कोई भी उन लोग का भी कार्यक्रम होगा वो लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, वो तो सार्वजनिक चीजें हो जाएंगी। हाँ हाँ, और दूसरा बात ये भी कहना चाहेंगे बिहार सरकार से, सीओ साहब से, अंचलाधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय से कि हमारा जो बहुत पहले से पूर्वज रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं सैकड़ों वर्षों से इस जगह पर, उसकी बंदोबस्ती की जाए। इसके अलावा जो बिहार सरकार ने 5 दिसंबर हर भूमिहीन के नियमानुसार अथी किया है, अलाउमेंट सरकार ने किया है, उसको हमारे नाम से बंदोबस्ती किया जाए, यही हम सीओ साहब से, थाना अधिकारी महोदय से और मांग कर रहे हैं कि हम लोग झगड़ा लड़ाई मारपीट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग शासन प्रशासन के आलो व्यवस्था से ही चलने वाले अनुशासित लोग हैं। सरकार या प्रशासन सही तौर पर कार्रवाई कर रही है? शासन प्रशासन ने यहाँ सबको मना किया कि गुमटी हटा लो, ये अपना दीवार हटा लो, बांस तास से घेरा हुआ सारे जगह को खाली कर लो, लेकिन कोई नहीं माना। यह सुनने को मिला कि शासन प्रशासन माने क्या होता है, शासन का काम है कहना, हमारा काम है यहाँ कब्जा करना, अतिक्रमण करना। देखिए अभी सीओ साहब ने आदेश के अनुसार नापी करवा दिया है, देखिए वहाँ झोपड़ी खड़ा हो गया जो उनका नाम पारस पासवान है। तो हम ये सरकार से अपील करना चाहेंगे सर, ये जो जितने बाकी प्रति जमीन पड़ा है उसको खाली किया जाए, अन्यथा हम लोग का लास्ट टाइम 24 या 25 तारीख को दिए गए हैं, उसके आधार पर हम 25 तारीख को पूरे समाज के साथ वहाँ अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष महोदय के पास हम वहाँ उपस्थित हो जाएंगे पूरा समाज के साथ। यही सरकार से हमारा अपील है।
यहाँ के जिलाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ कंचलाधिकारी महोदय ने एक आदेश दिया है, जिस आदेश में कहा है उन्होंने साफ तौर पे कि जितनी भी सार्वजनिक जमीनें हैं, जितनी बिहार सरकार की जमीनें हैं, भूमियां हैं, उन सभी को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को न मानना, उनके आदेश का पालन किस तरह से नहीं किया जा रहा, किस तरह से उनके आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको भी आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया। करहगढ़ प्रखंड से ये कौन सा गांव भैया? फकीला गांव से भी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया। मेरा अंततः यही मांग रहेगा कि जिस तरह से इन लोगों का दावा है, इन लोगों के मांगे हैं कि तमाम जितनी भी सार्वजनिक जमीनें हैं उन सभी पर जो है पंचायत सरकार भवन बना दी जाए, या फिर जो भी चीजें हैं विकास की चीजें हो, जिससे कि इस तरह की चीजें ना हो, कोई एक व्यक्ति इस जमीन का मालिक ना होगा ना है, और जिस तरह से लोग जो भी व्यक्ति इस तरह की जबरदस्ती वाली चीजें करे उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।